कि अगर उस मुल्क से प्रोडक्ट खरीद के आप स्मगल कर रहे हैं पाकिस्तान में विदाउट बैंकिंग चैनल, ये प्रोडक्ट्स स्टील के आ रहे हैं जिसमें रोलिंग बार्स भी हैं, सरिया भी है, स्क्रैप भी है, तीनों चीजें होगा होगा बिल्कुल होगा। तो ये जो हमारी मिलों में डालेगा, जो हमारी री रोलिंग मिलों में डालेगा, स्क्रैप यानी कचरा, तो फिर ये जिम्मेदारी हो जाती है FBR की, कस्टम की, कि वो मौसर चेक एंड बैलेंसेस क्यों नहीं है, कहाँ से ये इतनी इतनी बड़ी क्वांटिटी का जो स्टील है और उसकी मसनूआत है वो स्मगल पाकिस्तान हो रही है और लोकल इंडस्ट्री में बैठा ये हो रही है। 35,000 मीट्रिक टन जब पंजाब में डंप हुआ तो पंजाब से जो डिमांड थी स्टील की वो जीरो हो गई। अब वो मिल जो लोकल बना रहे हैं वो पंजाब को ऑफर करते हैं, कहते हैं हमारा तो पेट भरा हुआ है, और पेट इसलिए भरा हुआ वहाँ से कि उन्होंने 40,000 रुपये फी मंथ सस्ता लिया है इनके मुकाबले में। तो ये एक बहुत लंबे फिक्रिया है। मेरी अभी कल परसों बात हुई थी मिकरम मियाँ अकरम फरीद साहब से, जो लार्ज स्टील जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके एसोसिएशन से ताल्लुक है, और उन्होंने भी मुझे पेपर वगैरह दिए, वहाँ भी प्रेस रिलीजेस वगैरह सब अखबार में ये आया था कि अगर ये स्मगल नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की स्टील की सनत जो है बहुत जल्द